अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास मोबाइल आया क्लब का, इसकी एलसीडी डैमेज हो चुकी है तो इसको रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छी मालूमात दें, अच्छे तरीके से इसकी रिपेयरिंग करने का तरीका बताएं। आप दोस्तों वीडियो सारी वॉच करें, आपको पता चल जाए कैसे रिप्लेस करते हैं एलसीडी को। मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो है आपको बताना कि एलसीडी कैसे लगानी है और एलसीडी इधर कौन सी लगेगी। तो इसका जो ये पॉइंट है ना, ये अच्छे तरीके से साफ़ करके लगाने हैं। ये पहले भी मैंने लगाई हुई थी लेकिन कस्टमर ने फिर डैमेज कर ली है, को वज़न वगैरह आया तो वो टूट गई है। तो अब इसको दोबारा रिमूव करके इनको दोबारा लगाते हैं। ये पेस्ट है, पेस्ट लगा के आपने एलसीडी को रिमूव करना है तो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। ये तरीक़ेकार आप देख लें कैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे चीज़ जो देखनी है आपने, वो देखनी है इसके पॉइंट डैमेज ना हो। जब रिमूव करो ना तो इसके पॉइंट डैमेज ना हो जाएं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो काफ़ी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये देखो जो इसकी बेट है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरी। ठीक हो गया दोस्तों, अब इसको जो पॉइंटों को साफ़ करते हैं, ये देखो दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो रहे हैं। ये सीटीसी से आप इसको साफ़ कर लें। जी दोस्तों, हम एक तजर्बा करते हैं। ये एलसीडी है जैन की, तो C251 इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो, ये लगा के चेक करते हैं इसका डिस्प्ले कैसा आता है। ये जो मेरे भाई रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके लिए जो बेस्ट मैंने वीडियो बना के अपलोड करनी है, इसलिए कि उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी एलसीडी है जो डिस्प्ले शो कराती है, बेस्ट रिज़ल्ट आता है। इस पर चेक करते हैं, ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट आया, ओरिजिनल। ज़बरदस्त रिजल्ट आया दोस्तों। ये ईटाची के मॉडलों पे भी ऐसे ये एलसीडी लगती है, ये क्लब के मॉडल पे भी मैंने लगाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये देखो दोस्तों, अब इसको रीसोल्ड करके मैं लगाता हूँ कि आपको साथ साथ दिखाता हूँ कैसे रीसोल्ड करना है और कैसे इसको इधर लगाना है मोबाइल पे किट पे। तो ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ दोस्तों। ये मैं एलसीडी पहले लगाने वाला था गब्बर की, लेकिन इसका रिज़ल्ट इसका भी ठीक है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना C251 की, वो बहुत ही आला क्वालिटी की है। रिज़ल्ट आया है, आला क्वालिटी का रिज़ल्ट आया है। तो ये मैंने सोचा ये कस्टमर को लगा दूँ, ये जैन की है तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है, यही लगा के दूँ, क्योंकि ये भी रिज़ल्ट इसका गब्बर का ठीक है, लेकिन जो बेस्ट रिज़ल्ट आया वो ये है C251 वाला। ये मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। रीसोल्ड करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ कैसे रीसोल्ड करना है अपने एलसीडी को। ये इधर आपने भरोसे पे रख के ना हल्का हल्का भरोसा लगा लेना है, मूली सा लगा के आपने हल्का या सा सोल्डिंग लगाना है काबिया के। लगा के इसके ऐसे एलसीडी के ऊपर आपने ऐसे लगा लेना है हल्का हल्का, को एलसीडी का पॉइंट ना डैमेज हो। जो दूसरी साइड है उस पर भी ऐसे आपने लगा लेना है। ऐसे इस पॉइंटों को साफ कर लेना है आपने, अच्छे तरीके से ना साफ करके लगाना है।
आप सारे पॉइंट रीसोल्ड कर लें और इसके बाद आपने मोबाइल पे जो मोबाइल का बोर्ड है उस पर लगानी है। ये एक और बात बता दूं दोस्तों, बोर्ड के पॉइंट जो 20 हैं 20 हैं तो एलसीडी के 24 हैं। ये एलसीडी के रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा आया जो पहले लगी हुई थी, वो भी मैंने पहले लगाई थी लेकिन उसका रिज़ल्ट भी था। ये मैंने एक सोचा कि यार तजर्बा कर लूँ, तजर्बा करके मैं इस पर एलसीडी लगाता हूँ। ऐसे आपने एक एक पॉइंट को रीसोल्ड करते जाना है और ये इतने मिनट लगते हैं एलसीडी को लगाने के। ऐसे आपने जो कली है ना इसको ऐसे ऊपर रख लेना, हल्की हल्की आपने ऐसे लगाते जाना है। बहुत अच्छे तरीके से ये एलसीडी लग गई है। अब इसको मैं दोबारा भी सोल्ड कर लूँ, कोई जो पॉइंट रहता है वो भी क्लियर हो जाए। इसको ऐसे आपने साफ कर लेना है सीटीसी से। तो अब बैटरी डाल के चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो दोस्तों ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, बैटरी लो है। जी दोस्तों इसकी बैटरी लो थी, मैंने चार्जर लगाया है, अब इसको चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है दोस्तों। जी दोस्तों मेरा मशवरा है कि आप जो कालमी 251 वाली एलसीडी है ना वो क्लब ई टाची इस मॉडलों पे ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, कालमी पे भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है इसका। यही एलसीडी आप लें और इसको आपको बार बार नहीं, ये नहीं जो वो लगा लें जो वो लगा लें, ऐसे नहीं होगा, बार बार आपको चेक करना नहीं पड़ेगा। एक एलसीडी लगाई और रीसोल्ड किया आपने, सेट ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया, टाइम की बचत और कस्टमर भी परेशान नहीं होता। ऐसे ही आपने ये कालमी सी 251 वाली एलसीडी लगानी, ये रिज़ल्ट आएगा। देखो दोस्तों कैसा रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, जैसे डब्बा पैक सेट का होता है ना वैसे ही है इसका रिज़ल्ट। मैं अक्सर कस्टमर को यही एलसीडी लगा के देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अब फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।